ठहरो। राम राम भाई। भाई सेब कैसे दिए? 20 रुपए किलो। दाम बहुत बढ़ा रहे हो, बात क्या है? चलो 2 किलो दो। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, 2-4 पैसे बाबा दे दे, अल्लाह के नाम पे, मालिक आपको अच्छा रखे, अल्लाह के नाम। ए बिलवा हथियार उठा। वाह क्या व्यू है। ये कोई वक्त है आने का? एक तो यहाँ इतनी ठंडी है और तुम जानते हो मेरी नई वार्डन को 8 बजे के बाद हॉस्टल में आने नहीं देती, नो एंट्री। तो ठीक है, आज तुम मेरे साथ ऑफिसर्स मेस में चली आना। तुम्हें हमेशा शरारत सूझती है। जानते हो रोहन, आज दोपहर से मेरी बाई आंख फड़फड़ा रही है, जरूर कोई बुरी खबर। हाँ, और मैं देर से आया तो तुमने सोच लिया मुझे कुछ होगी? नहीं, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा रोहन, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ठंडी भी नहीं लग रही। चल चाय पीना। आई डोंट माइंड। क्या हुआ रोहन? किसी ने बाबूजी की जान पर हमला किया, मुझे जाना होगा, अभी जाना होगा। चलो चलो। यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं इमरजेंसी वार्ड है? देखो नर्स, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये मेरे पिता हैं और उनकी जान खतरे में है। इनके बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? अभी 10 मिनट पहले पुलिस आकर उन सबको ले गई। यहाँ कोई फोन है? बाहर है। देखो तुम ही रहना, इनको अकेला मत छोड़ना, मैं अभी आया। हेलो, कौन बोल रहा है? रोहन? हाँ रोहन, कहाँ से बोल रहा है? मुन्ना, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। भाई अकेले पड़े हैं, उनकी हिफाजत के लिए ना तो कोई पुलिस है और ना कोई बॉडीगार्ड। ताजुब है, ऐसे कैसे हो सकता है? उनके बॉडीगार्ड्स को तो वही होना चाहिए। नर्स से पता चला है कि थोड़ी देर पहले पुलिस आके सबको ले गई। देखो रोहन, एक काम करो, बिल्कुल डरना मत, तुम भाई के साथ साय की तरह चिपके रहना, किसी भी हालत में उनको अकेला छोड़ना मत। मैं अभी अपने आदमी भेजता हूं, ठीक है? कौन हो तुम? मैं सतीश बहादुर, तुम्हारे गांव वाला। तुम्हारी बहन की शादी में आया था ना मैं? तुम्हारे पिताजी के बहुत एहसान है मुझ पर, खबर मिलते ही मैं चला आया। ठीक है, चलो मेरे साथ। घबराओ मत,
और हाथ अपनी जेब में रखो ताकि ऐसा लगे कि तुम्हारे पास पिस्तौल है। से निकलवाया था, फिर तुम यहां क्या कर रहे हो? हैं? भाई की बॉडीगार्ड्स कहां हैं? ए, पुलिस को अपना काम करने दो, भागो यहां से, चलो। सामने वाली पार्टी ने भाई को मरवाने के लिए कितने पैसे दिए हैं? बहुत होशियारी दिखा रहा है, ले चलो इसे। ठहरे कमिश्नर साहब, रुकिए। मैं अपने क्लाइंट मिस्टर शिवचरण शर्मा उर्फ भाई का लॉयर हूं। ये देखिए मेरे आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। और जो लोग अभी अभी मेरे साथ इस वक्त यहां आए हैं वो सारे प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, जिनके पास रिवॉल्वर और पिस्टल का बकायदा लाइसेंस है और जो उन्हें यहाँ भाई की हिफाजत के लिए लाए हैं। ये देखिए, ये है सरकारी परमिशन। अरे बाबा, भगवान के लिए बोलो क्या हुआ। अबे चुप। मुंडा ने अनवर और उसके साथियों को कोलीवाड़ा के पेट्रोल पंप पर निशाना बना दिया। ओह माय गॉड, ये मुन्ना आदमी है कि शैतान? खैर, डोंट वरी, तुमने भतीजा खोया, बेटा नहीं। चुप। खैर छोड़ो, हमें सुलह करनी है। मुन्ना को फोन लगाओ और कहो हमें सुलह करनी है उनकी शर्तों पर। मीटिंग रखो और उस लड़के को भी बुलाओ। क्या नाम है उसका? रोहन। हाँ रोहन। और उस हरामजादे कमिश्नर को बीच में डालकर सुलह करवाओ ताकि हमें कुछ दिनों की मोहलत मिल जाए। जल्दी करो। ठीक है। सुना महेश,
गोगिया सुलह करना चाहता है। क्या कहता है? अरे कहेगा क्या, सुबह से फोन पर भीगी बिल्ली की तरह मियाँ मियाँ कर रहा है साला कबूतर की औलाद, और कहता है मुझे सुलह करनी है, वो भी आपकी शर्तों पर, लेकिन मेरी जान बख्श दो। और असलम पठान? कहता है हमने भाई पर गोली चलाई और आपने हमारे बशीर को मार डाला, हिसाब खत्म। फिर भी उन लोगों के साथ एक मीटिंग बहुत ही जरूरी है। कोई मीटिंग नहीं होगी, बहुत हो चुकी है मीटिंग। मुझे उस पुलिस कमिश्नर और गोगिया से हिसाब चुकाना है। लेकिन भाई को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा क्या बुरा ये तुम मुझे मत सिखाना। क्या उन्होंने भाई पर गोली चलाई है और तुम कह रहे हो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा? पागल हो गए हो क्या? आज तक किसी ने पुलिस कमिश्नर को नहीं मारा। अंजाम जानते हो, असलम पठान, शेट्टी, तिवारी, ये सब पुलिस के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। फिर भाई की सियासत को खत्म होते देर नहीं लगेगी। तो क्या करें, हमारे पास वक्त भी तो नहीं है। हम रुक नहीं सकते। अगर हम रुके तो भाई की जान पे एक और हमला हो सकता है। इन लोगों को तो मौके की तलाश है। ये लोग मुझसे मिलना चाहते हैं ना, कमिश्नर, गोगिया और मैं। ठीक है, लेकिन इसे कहिएगा कि मीटिंग पब्लिक प्लेस में होगी, कोई होटल, बार या रेस्टोरेंट, ताकि मेरी जान को खतरा ना हो। जाहिर है वो मेरी तलाशी भी लेंगे, इसलिए हथियार वक्त से पहले वहीं कहीं छुपा दीजिए, फिर मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा। देखा महेश, इसने तो इसे अपना जाति मामला बना डाला। देखो मेरे भैया, ये धंधा वो है जिससे तुम हमेशा दूर रहना, और तुझे कोई तजुर्बा भी नहीं है। एक थप्पड़ पड़ने से तुम पुलिस कमिश्नर को जान से मारने चल पड़े, ये कोई बच्चों का खेल है क्या? अगर हम ये साबित कर दें कि वो कमिश्नर एक पुलिस ऑफिसर से ज्यादा गुंडों का दलाल था तो? तुम साबित कैसे करोगे? जब उसकी लाश गोगिया जैसे ड्रग डीलर के साथ पाई जाएगी तो ये बात अपने आप साबित हो जाएगी। और फिर प्रेस और मिनिस्ट्री में हमारे काफी दोस्त हैं, वो भी ये बात खूब उछालेंगे।